तो मैं लगाने जा रही हूँ अपना फेस पैक, जो मैं वंस इन अ वीक लगा लेती हूँ। तो लेट्स सी कैसे बनाती हूँ अपना फेस पैक। अपना फेस पैक तैयार करने के लिए डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही, 2 चुटकी हल्दी और थोड़ा शहद। ये आ गया शहद, बस ज्यादा नहीं। अब इसे करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक थिक पेस्ट बन जाएगा और फिर हम इसे अप्लाई करेंगे। अगर ये थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है तो हम इसमें दही और मिक्स कर लेंगे। इसमें दाने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसको हमें फेंटना है। ज़्यादा लिक्विड भी पेस्ट नहीं बनाना, थिक पेस्ट बनाना है, जस्ट लाइक दिस। एज यू कैन सी, देखा, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार है। अभी हम इसे करेंगे अप्लाई, मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। ओके गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और हम करेंगे अपना फेस पैक अप्लाई। फेस पैक अप्लाई करने से पहले बालों को अच्छी तरह हम टाइट कर लें। और उसके बाद ये मेकअप लगा हुआ इसे रिमूव करेंगे। मैं अपने लिपस्टिक हटाने के लिए हमेशा वैसलीन का ही यूज करती हूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छा है और बहुत ही फटाफट से लिपस्टिक रिमूव हो जाती है। देखा, सी कितनी जल्दी रिमूव हो गई, इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है। और फेस को करने के लिए मैं वाइप का यूज कर रही हूँ, वाइप्स का। मेकअप लगाकर कभी मत सोना यार, पूरा फेस खराब हो जाता है, दाने, एक्ने, क्या कहते हैं वो, स्किन ड्राई ड्राई हो जाती है, तो बहुत ही खराब लगती है, इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। दिन भर की धूल मिट्टी, वैसे तो मैंने फेस वॉश कर लिया था बट मेरा मेकअप रिमूव नहीं हुआ, जो मैं अब कर रही हूँ। और मैं हमेशा मेकअप रात में रिमूव करके ही सोती हूँ, कोशिश करती हूँ डेली फेस पैक अप्लाई करूँ बट डेली पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर मैं इसलिए वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक कर लेती हूँ। ये देखो काजल, काजल, काजल देख रहा है आपको, ये देखो ब्लैक 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 सारा काजल निकाल दिया मैंने। ओके, नाउ आई एम रेडी टू अप्लाई माय सीक्रेट फेस पैक फॉर ग्लोइंग स्किन। बिंदी तो हटाई नहीं, मेरा फेस पैक मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है। अप्लाई कर सकते हैं। मैं नेक पे भी अप्लाई करती हूँ, करना ही चाहिए। अगर डेली अप्लाई कर सकते हैं तो डेली अप्लाई करना चाहिए। फेस पैक बहुत ही अच्छा है, नेचुरल है, कुछ भी हार्मफुल नहीं है इसके अंदर।
फेस पर हो गया है अप्लाई। आप चाहो तो कान पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं कर नहीं रही क्योंकि मेरे सारे बाल खराब हो जाएंगे, बालों में भी लग जाएगा, इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रही। हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं और पैरों पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरा फेस पैक थोड़ा बच गया है, मैं हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ। दोनों हाथों पे अप्लाई कर लूंगी इसको मैं। अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। अगर आप चाहो तो लिप्स के यहाँ पर और आईज के पास थोड़ा छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और जब ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो रिंकल्स का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है किसी किसी की स्किन के लिए, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग है। बट मैं तो अपने फुल फेस पर ही अप्लाई कर लेती हूँ, मैं लिप्स पर भी कर लेती हूँ कि इसमें सब कुछ अच्छा ही मिला हुआ है। थोड़ा सा बच गया तो मैं इसको दोबारा से अप्लाई कर लूंगी। ये हो गया है फिनिश। अब हम वेट करेंगे हमारे पैक पैक का सूखने का। जैसे ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसे रब करके सर्कुलर मोशन में वॉश कर दूंगी, और आफ्टर दैट मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी। ओके, आप देख सकते हैं हाथों का तो काफ़ी बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा लगा है वहाँ पे गीला है, बट फेस का कहीं कहीं ड्राई हो गया है, बट कहीं कहीं अभी भी बाकी है। तो मैं 5 से 7 मिनट और रखूँगी, देन आई विल वॉश इट ऑफ। क्या इत्तेफाक है ना, मेरे टैडी का कलर, मेरे ड्रेस का कलर और मेरे फेस पैक का कलर सब मैच हो रहा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। गाइस ये पूरा ड्राई हो चुका है, अब मैं इसे वॉश करने जा रही हूँ। आफ्टर वॉश मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसके, ठीक है, आई विल बी राइट बैक। मैंने कर लिया है फेस वॉश, अब आप देख सकते हो रिजल्ट्स। एक बार में साफ सुथरा फेस लगता है यार, अगर पॉसिबल है तो डेली लगाओ, ना पॉसिबल है तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो लगाना ही चाहिए, मिनिमम 1 बार तो लगाना ही चाहिए। शाइन आ जाती है थोड़ी देर के लिए, सही बरात हो जाती है, अगर लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो फेस नेचुरली ग्लो करने लगेगा। ओके गाइस दैट्स इट फॉर ऑल, मैं आपसे मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और ऐसे ही हंसते रहना, बाय।